वेलकम बैक, मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। आज हमारे सामने फिर से एक मशहूर कलाकार, एक मशहूर सिंगर की डेथ हो गई। दरअसल बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी का मंगलवार 15 फरवरी देर रात निधन हो गया। वह 69 वर्ष के थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। बप्पी दा ने 80-90 के दशक में कई फिल्मों में ब्लॉकबस्टर गाने दिए और अपनी एक अलग पहचान बना ली। बप्पी लहरी को बीते साल अप्रैल में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब वह कोविड-19 की चपेट में आ गई थी। हालांकि कुछ दिनों में ही वह ठीक भी हो गए थे। इस वक्त वह मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती थे। आइए जानते हैं बप्पी लहरी की हालत पे डॉक्टर ने क्या बोला। पीटीआई ने बप्पी लहरी के निधन की पुष्टि की। वहीं अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक नाम जोशी ने बताया कि बप्पी लहरी एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सोमवार 14 फरवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन मंगलवार को उनकी हालत फिर से बिगड़ गई। बप्पी दा के परिवार ने डॉक्टर को घर बुलाया। बप्पी दा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर के मुताबिक बप्पी दा हेल्थ संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे। उनका निधन OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपेनिया के कारण हुआ था। बप्पी लहरी के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शॉक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज और फैंस डिस्को किंग को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि अब बप्पी दा भी इस दुनिया पे नहीं रहे। कुछ दिन पहले ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया था। अभी देश लता जी के खोने से सदमे से बाहर निकला ही था कि अब बप्पी दा हमेशा के लिए अलविदा कह गए।